नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं एलईडी लाइट बल्ब। और एलईडी लाइट बल्ब कौन सा? जो हमारा बैकलाइट का बल्ब होता है वो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है। आज हम उसमें एलईडी बल्ब डालने वाले हैं। वो बल्ब होगा कुछ इस तरीके का। तो ये बल्ब लेके आया हूँ मैं दिल्ली से। फिलहाल मैं दिखाता हूँ, जो हमारा नॉर्मल बल्ब होता है वो इस तरीके का जलता है, ठीक है। और ब्रेक मारेंगे तो बस सिंपल थोड़ा वाइट, मतलब तेज हो जाती है लाइट ब्रेक दबाने पे, बाकी नॉर्मल में इस तरह जलती रहती है। पर ये लाइट बहुत ज़्यादा खाता है, जो हमारी बैटरी होती है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, खींचता है पावर अपनी तरफ को। तो इसका उपाय है ये एलईडी बल्ब डालना। तो इसको डालते हैं एक बार, फिर दिखाते हैं कैसे काम करेगा। तो बल्ब, ये हमें पीछे का ग्लास खोलना पड़ेगा बल्ब चेंज करने के लिए, जिसके लिए हमें ये दो स्क्रू खोलने पड़ेंगे। जल्दी से खोल देते हैं और देखते हैं क्या ये बल्ब वो चीज़ करेगा कि लाइट कम खाए या बैटरी कम कंज्यूम करे। और इसके अंदर एक खास खास फीचर्स है, वो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वो नॉर्मल बल्ब से खास है और इसका प्राइस कितने का है और ये कहाँ से आपको मिलेगा। तो अभी हमारी ये बैकलाइट रही, इसके अंदर जो बल्ब होता है इसके अंदर एलिमेंट होता है, और ये हमारे पास है इसके अंदर एलईडी लगी है अंदर साइड से। तो ये नॉर्मल बात है, जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादा खाएगा बैटरी और एलईडी कम खाती है। तो सिंपल इसको हमें निकाल देना है और इस वाले बल्ब को लगा देना है। और वो लगाया हमने कुछ इस तरह, और अब हम देखते हैं जलाइए। तो देखिए ये हमारा नॉर्मल बल्ब जल गया है। अब हम दबाएंगे ब्रेक, तो यहाँ पे कुछ आपको मूवमेंट दिख रहा होगा, पर वो अभी तेज नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कवर लगाया नहीं। एक बार मैं कवर लगाता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ ये कितनी तेज रोशनी फेंकता है। देखते हैं कि एलईडी हमारी कैसी जलती है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल एलईडी देख सकते हैं और काफ़ी रोशनी है इसके अंदर। और आप देखिए ब्रेक दबाने पर, मतलब ब्रेक दबाने पर दूर से ही इंसान को एक इंडिकेट हो जाएगा कि इस बंदे ने ब्रेक दबा रखा है, या समझ लीजिए एक हज़ार लाइट का भी काम करेगा जल्द बुझ। तो ये एक नई चीज़ है, यूनिक है, दूसरे सामने वाले की आँख में दूर से ही पता चल जाएगा कि भैया बंदा या तो ब्रेक मार रहा है या मतलब कुछ ना कुछ करने वाला है, तो गाड़ी पहले ही अलर्ट कर देगा अपनी गाड़ी को या हल्की कर देगा। तो ये एक मेरे को यूनिक चीज़ लगी। अभी हम बात करते हैं कि इसका प्राइस कितना है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम दिखाते हैं, जो हमारे पास पहला वाला बल्ब था वो ये बल्ब था, इसके अंदर होता है एलिमेंट। इसके अंदर कोर से और नज़दीक से यहाँ से देखें तो इसके अंदर एलिमेंट नज़र आएगा, मतलब वायर। और अब हमने डाल दिया है ये एलईडी बल्ब, और ये काफ़ी अच्छा है। दिल्ली में इसकी कीमत 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में लोग खरीदते बेचते हैं, पर हम इसको एक अच्छे से रेट में आपको उपलब्ध कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करिए। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि आपको कैसे और कहाँ मिलेगा। और कुछ पीस में गिव अवे करने वाला हूँ, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये देने वाला हूँ। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, वहाँ इसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर से चला के देखते हैं। मेरे को तो एक यूनिक चीज़ और बढ़िया लगी, और ब्रेक दबाने पर बस ऑसम। तो गाइस एक छोटी सी बात और थी कि अगर आप ये बल्ब लेते हैं तो ये गाड़ी सिर्फ, ये बल्ब सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ये आपकी क्लासिक, इलेक्ट्रा या फिर स्टैंडर्ड जिसमें भी मतलब ये बल्ब लगता है डबल पॉइंट, इसको आप देख सकते हैं डबल पॉइंट बल्ब, उस गाड़ी में इवन क्या कार में भी यूज़ होता है ये बल्ब, तो कार में भी लगा सकते हैं। और मात्र 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में आपको ये दिल्ली में मिल जाएगा। तो जल्दी, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।